जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन आप लोगों ने देखा था एक टेस्ट का आयोजन किया गया था। हर मंथ जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होता है मंथली टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, तो जो मंथली टेस्ट लिया गया था उसका क्वेश्चन आप लोग को भी प्रोवाइड करा दिया गया था। कम्युनिटी टैब में आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया था और उसका सॉल्यूशन भी हम उसी दिन शाम में 7 बजे करा दिए थे आप लोगों को। तो जो बच्चे ऑफलाइन में यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने टेस्ट दिया था और जिनका बेहतर प्रदर्शन है, बेहतर नहीं कह सकते हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन जिनका रहा है, संस्था की तरफ से उन सभी बच्चों को आज सम्मानित किया जाएगा। इसमें से 8 बच्चे ऐसे हैं, सॉरी 5, 6 जिनका कि 50 में 50 आया है, 6 है या फिर 5, हाँ 6 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि पूरे 50 में से 50 अंक अर्जित किया है। तो आज बाड़ी बाड़ी से उन सबों से आपको मुलाकात भी कराएंगे और इसके बाद संस्था की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वो भी आगे चलकर और भी बच्चे जो हैं वो और मेहनत करें और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। जब आप बेहतर करते हैं और आपको प्रोत्साहित किया जाता है तो उससे आप अपने आप को कभी भी ये नहीं महसूस करें कि हम तो बहुत कुछ जान गए हैं, ऐसा कभी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। उससे आपको कुछ सीखना चाहिए और अपने अंदर ये रहना चाहिए आपको कि आज यदि हमने बेहतर किया है तो हमें जब प्रोत्साहन मिला है तो आगे और भी बेहतर करेंगे, ताकि और भी हमें प्रोत्साहित किया जाए। इन चीज़ों से हमेशा सीखना चाहिए आपको। आइए शुरुआत करते हैं, बाड़ी बाड़ी से सभी बच्चों को बुलाते हैं, साथ साथ उनसे कुछ पूछताछ भी करेंगे हम, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि ये 50 में 50 लाने वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर वाकई में 50 में 50 लाने की क्षमता है या नहीं है। बाड़ी बाड़ी से बुलाना चाहेंगे, लड़की में किनका आया 50 में 50 आपका, चलिए आइए। वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और आपको जो ये पीछे डेकोरेशन दिख रहा है, आज हमारा बर्थडे भी है और जिसके लिए बच्चों ने सजाया है, चलिए इस पर बात करेंगे बाद में, फिर पहले हम अभी बात कर लेते हैं। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया था टेस्ट में, जिसमें से आपने 25 के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही बनाया है। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही बनाने में कितना वक्त आपको लग गया? 7 मिनट। कितना? 7 मिनट। आप सुन सकते हैं, मात्र 7 मिनट में, 7 मिनट समझ में आ रहा है, 7 मिनट, यानी 7 मिनट में इन्होंने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और 25 के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सही बनाया है। तो इनसे कुछ पूछेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन किन्हीं के पास है तो हमें दीजिएगा, क्वेश्चन है किन्हीं के पास, लाइए क्वेश्चन दीजिए। 2, 4, 5 प्रश्न इसमें से इनसे पूछेंगे, पता चल जाएगा कि इन्होंने जो है जवाब कैसे लिखा है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, फिर से बोल दीजिए, sec x into tan x, cot x का बता दीजिए, cot x का, हाँ, minus cos x square x, इससे पहले जो बोले थे वो किसका बोले थे? वो था मतलब sec का, क्या बोले थे आप? cosec क्या बोला था? minus cosec x into cot x ना, वो किसका डिफरेंशिएशन? cosec का डिफरेंशिएशन, घबराइए नहीं, जवाब दीजिए आसानी से। x के पावर 10 का डबल कोटि का डिफरेंशिएशन किया गया है, क्या देख लीजिए, हम लिख ही देते हैं, x के पावर 10 इसके डबल कोटि का डिफरेंशिएशन निकालना है। हाँ, 90x के पावर 8। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा के सामने, अक्सर जो नए स्टूडेंट होते हैं या जिन्हें कैमरा फेस करने का हैबिट नहीं होता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कैमरा के सामने, असहज महसूस करते हैं। बाकी बात, इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो ये संस्था की तरफ से इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया जाता है और ये मेडल इनके बेहतर रिजल्ट के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि ये और भी आगे मेहनत करे और आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2023 में उसमें ये बेहतर मार्क्स करे, और इसी के लिए जो है इन्हें मेडल दिया जाता है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबों से हमें यही कहना है कि आप भी बेहतर मेहनत करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करें। यदि आप बेहतर पढ़ेंगे तभी बेहतर मार्क्स ला पाएंगे, यदि आप बेहतर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेहतर नहीं मार्क्स ला पाएंगे।
इसी संस्थान में बैठे बच्चे सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है। फिर उसमें से छः बच्चे ही 50 में से 50 क्यों लाए, बाकी बच्चे क्यों नहीं लाए? कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ कमी है कि आप लोग या तो क्लास को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, या फिर घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी बेहतर मेहनत करेंगे तो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। धन्यवाद। संस्था की तरफ से इन्हें मेडल के द्वारा सम्मानित किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने ज़िंदगी में सफल होंगे, जब भी, तो उसके लिए आपको जो है कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं मिलेगा, कोई आसान वाला रास्ता नहीं मिलेगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, और वो भी दिल से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जाइए, आप पूछ रही। चलिए, दूसरे स्टूडेंट कौन है? लड़का में से दूसरा कौन है? चलिए आइए, फटाफट आ जाइए। आप बताइए, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा था? लगभग 7-8 मिनट, मतलब अप्रॉक्स 7-8 मिनट का वक्त इन्हें भी लगा था। मान लीजिए ना, 7-8 मिनट का वक्त इनको भी लगा था। तो अप्रॉक्स जो आप समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं जिन्होंने 50 में 50 मार्क्स किया है, उन्हें मतलब औसतन यही समय लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट, बहुत ज़्यादा लगा है तो 10 मिनट का वक्त लगा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। आप भी उतना ही समय में बना सकते हैं आसानी से। इसके लिए स्पेशल बैच हमारा चल रहा है, शाम में 7 बजे आप जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे साथ एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं, जो मास्टरमाइंड मैथमेटिक्स एप्लीकेशन है आपका, वहाँ पर जुड़ के आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, इनसे भी एक दो सवाल कर ही लेते हैं। आप बताइए कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/(-1/1+x²). अच्छा बताइए, यदि कोई फंक्शन दो फंक्शन गुना के रूप में दिया गया है, तो गुना वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहला को छोड़ेंगे दूसरा का प्लस, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप बताइए sin²x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin², sin2x, 2sin × cos x। हाँ, 2sin x × cos x। sin2x। हाँ, ठीक है। x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x 5x के पावर 4। 5x के पावर 4। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 √x। 1/2 √x। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और चूंकि मौखिक रूप में इतना क्वेश्चन को पूछना और ये जवाब दे पाएंगे, तो यदि इनको बनाने के लिए कहा जाए तो ये निश्चित रूप से जवाब दे देंगे। तो 2-4-5 प्रश्न है इनसे, और इन्हें भी मेडल के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और आपको हर बार यही कहेंगे कि ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ आपके उत्साह के लिए है, कि आपका उत्साह कभी कम ना हो और आप ऐसे ही नई ऊर्जा के साथ हमेशा तैयारी करते रहें। चलिए, अगले विद्यार्थी, जाइए आप। अगला कौन है? आ जाइए जल्दी से। आप बताइए, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लिए थे आप? 5-7 मिनट। इन्हें 5-7 मिनट का वक्त लगा था, मतलब अप्रॉक्स सबका औसतन वही जा रहा है, 5-7 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 10 से 11, 10 से कम ही में लगभग जो है इन लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए, आपसे भी एक दो सवाल पूछ ही लेते हैं। आप बताइए, sin²x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√(-x²). और यहाँ देखिए, सवाल है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा आप देख कर ही बता दीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, 2sin²θ + 2cos²θ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। बता दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। एक बार ताली बजा दीजिएगा सभी लोग, आप लोग ताली नहीं बजाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। अगले स्टूडेंट आइए, कौन है? आपको कितना वक्त लगा था? 5-6 मिनट। हाँ, सबका लगभग इतना ही आ रहा है, 5-6 मिनट। चलिए देखिए, ये भी 50 में 50 अंक लाए हैं। 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया था, जिसमें 25 का 25 सही क्वेश्चन बनाए हैं ये, तो इनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए आप सभी लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। अगला कौन है? चलिए, अगला स्टूडेंट कौन है? चलिए फटाफट से।
ये 50 सॉरी ये 25 में से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 24 का सही आंसर दिए हैं, यानी इन्होंने 48 अंक अर्जित किया है। तो इनका भी प्रयास काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर प्रयास कह सकते हैं। कितना समय लग गया था? 7 से 8 मिनट, यानी 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, मतलब ऐसे ही वक्त लगता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बेहतर है प्रयास इनका भी, ऐसे ही आप आगे भी प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। चलिए लास्ट कौन है, आइए फास्ट जल्दी। इन्होंने भी 25 में से 24 सवाल का सही जवाब दिया है, यानी इनका भी 48 अंक आया है। तो इनका भी प्रयास काफ़ी बेहतर रहा है, और ऐसे ही आगे भी प्रयास करते रहे, इसके लिए संस्था जो है आपके लिए हमेशा जो है बैलून फट गया इधर से। चले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप सबों से यही कहना है कि आप भी अपने जीवन में मेहनत करें, हमेशा हमेशा मेहनत पर ध्यान दें, एक टारगेट फिक्स करें और हमेशा उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर रोज़ अपना लगाए, अपना 100% देने का प्रयास करें। एक समय ऐसा आएगा कि आप भी सफल इंसान कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद एक छोटा सा जो है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है, और ये डेकोरेशन जो है इन्हीं विद्यार्थियों ने किया है, क्योंकि आज हमारा बर्थडे है, और ऐसे तो हम बताया नहीं थी किसी को, लेकिन पता नहीं इन लोगों को कहाँ से जानकारी मिल गई। तो चलिए इन लोगों के भी बात को रख लेते हैं थोड़ा सा, चूँकि स्टूडेंट हैं। तो इसके बाद जो चीज़ होगा वो आपको दिखेगा, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा केक वगैरह कट होगा और क्या होगा क्या। ऐसे तो देखा जाए तो ये जो बर्थडे हम लोग हर साल मनाते हैं, ये आप अपनी ज़िंदगी का एक अहम साल जो है कम कर लेते हैं आप अपनी आयु से, लेकिन फिर भी यह है कि मतलब इस दिन उल्लास ये होता है कि हमारा इस दिन जन्म हुआ था। सिर्फ इसी बात का उल्लास है कि इस दिन हमने इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर अपना कदम रखा था, तो इसी बात का सिर्फ उल्लास है। बाकी आप अपने जीवन का एक कीमती साल जो है खो चुके हैं, फिर ऐसे ही हर साल खोते रहेंगे। लोग मिलेंगे आज शाम में 7 बजे, शाम में 7 बजे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चलेगा आज। कल भी चला था लेकिन बीच में ही इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण जो है क्लास रुक गया था। कोशिश करेंगे कि आज नहीं रुके, पूरा का पूरा क्लास चले, यह हमारा प्रयास होगा। धन्यवाद।